गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम नाइन्थ चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है सेंट्रल मेटल एटम की संयोजकता। संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है CMA, उसकी संयोजकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे ये कंपाउंड है K4FeCN6, तो इसमें जो ये आपका CMA है, केंद्रीय धातु परमाणु, आयरन क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? वो धातु परमाणु या आयन जिससे कोई अणु या आयन उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु संकुल भाग में पाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में बड़े ब्रैकेट में बंद रहता है। इसकी दो तरह की संयोजकता होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं। दो संयोजकताएं कौन कौन सी? एक तो प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? उस धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंग। प्राथमिक संयोजकता या CMA पर उपस्थित आवेश या ऑक्सीकरण अंग। इनको ध्यान से समझिए। केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है, उस आवेश को उसका ऑक्सीकरण अंग बोलते हैं, और वो ऑक्सीकरण अंक ही केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? वो होती है इसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है वही उसकी क्या होती है? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। इसी को अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक संयोजकता। तो इस उदाहरण में, इस एग्जांपल में अगर मैं इनकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करूं तो क्या होंगी भाई? K4 है, इसको तोड़ोगे तो 4K+ आयन, और FeCN का होल 6 माइनस 4 आयन। ये अगर टूटता है तो 4K+ आयन, यहाँ पे 4+ चार्ज है, प्लस का 4 है, तो इस पूरे संकुल पे क्या आएगा? माइनस 4। अब देखो, मुझे आयरन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है तो X मान लो, साइनाइड ऋणावेशित लिगेंड है, -1 चार्ज होता है एक पर, तो 6 है, तो X-6 बराबर पूरे पे टोटल कितना है? -4। ये -4, तो X बराबर क्या हो जाएगा? -4+6, तो X बराबर क्या आ गया? +2। मतलब आयरन की प्राथमिक संयोजकता तो क्या होगी? +2 होगी। आयरन की प्राइमरी संयोजकता तो क्या हो जाएगी? यहां पर +2 हो जाएगी। ये इसका ऑक्सीकरण अंक है। ये क्या है? इसका ऑक्सीकरण अंक। द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो मैंने बताया था जो ये यहाँ पर लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड कितने? 6। इसका मतलब ये 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो ये इसकी क्या है? द्वितीयक संयोजकता। तो आयरन की दोनों संयोजकताओं के बारे में पता लग गया। प्राइमरी संयोजकता तो +2 है, और द्वितीयक संयोजकता क्या है? 6 है। तो ये दो संयोजकताएं होती हैं, इनके बारे में ही अपन को आज पढ़ना है, इनके एग्जांपल करने हैं। तो एक एक को लेकर चलेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
मैं प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताऊंगा और उसके बाद द्वितीयक संयोजकता के बारे में। हाँ भाई, अब देखो प्राथमिक संयोजकता, पहला है सीएमए की प्राथमिक संयोजकता, सीएमए की प्राथमिक जो संयोजकता होती है इसे सीएमए का ऑक्सीकरणांक भी कहते हैं, सीएमए का ऑक्सीकरणांक, ऑक्सीकरण अंक भी कहा जाता है। दूसरा इसे क्या कहते हैं, इसे आयनिक संयोजकता, इसे आयनिक, क्योंकि ये आयनों द्वारा कंप्लीट होती है, सरल आयनों द्वारा, इसे आयनिक संयोजकता या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं। तो तीनों ही नाम है आपको, किस तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। प्राथमिक संयोजकता ही क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है, और इसको अपन आयनिक संयोजकता या प्रिंसिपल वैलेंसी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा ही क्या होती है, संतुष्ट होती है। भाई केंद्रीय परमाणु पर धनावेश होगा तो वो धनावेश किससे संतुष्ट होगा, ऋणावेश से, इसलिए ऋणायनों द्वारा ही क्या होती है, संतुष्ट होती है। तीसरी चीज, चौथा, ये सीएमए पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश ही क्या है, उसका ऑक्सीकरण अंक या प्राथमिक संयोजकता है। पांचवी चीज, चूंकि ये आयनिक प्रकृति की होती है, और हमने आयनिक बंध में 11वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो आयनिक बंध होते हैं वो अदिशात्मक होते हैं, दिशात्मक गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऋणायन कहीं से भी आ सकता है, धनायन के पास ऋणायन किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, इसलिए ये अदिशात्मक प्रकृति की होती है, ये अदिशात्मक प्रकृति की होती है। तो ये पांचों पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, मेन पॉइंट हो गए इसके। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकताएं या ऑक्सीकरणांक ज्ञात करते हैं। एग्जांपल से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक है आपका Ni CO का होल फोर SO4, ये यौगिक है। अब इसमें मुझे निकिल का ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करना है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, देखो सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा +2 NiCO का होल सिक्स
प्लस टू, और सल्फेट पे क्या होता है माइनस टू, पूरे संकुल भाग पर प्लस टू चार्ज है। अब देखिए एनआई का मुझे ज्ञात करना है, एक्स मान लो, ऑक्सीकरणांक ज्ञात करना मैंने बताया था, जिसका ज्ञात करना है उसका एक्स मान लिया, प्लस कार्बोनिल, कार्बोनिल पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, एक कार्बोनिल है जो सीओ है वो कैसा है उदासीन लिगेंड है, तो छह है, छह गुणा जीरो बराबर में पूरे पर चार्ज कितना है प्लस टू, तो ये तो जीरो हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया प्लस टू, तो यही क्या हो गया एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर, एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया प्लस टू, प्राइमरी से जगता है इसकी। या और एग्जांपल देखो, ये देखो Ni H2O का ट्वाइस Cl2 Br2 SO4, वही तरीका, SO4 सरल ऋणायन है, इसको अलग कर दो तो संकुल भाग पर आवेश पता लग जाएगा, Ni H2O का होल ट्वाइस Cl2 Br2 पर प्लस टू चार्ज, और SO4 पर क्या आ जाएगा माइनस टू चार्ज। अब आप क्या कर सकते हो, देखो पूरे के संकुल भाग के ऊपर प्लस टू चार्ज है, मतलब इन सब के ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होगा प्लस टू, तो Ni का तो आपको ज्ञात करना है X, प्लस H2O एक्वा उदासीन लिगेंड है, इसके दो अणु है तो 2×0, प्लस क्लोरीन, क्लोरीडो ऋणावेशित लिगेंड है, 2 क्लोरीन है तो 2 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये ब्रोमीन भी आ जाएगा माइनस का 2, पूरे पर प्लस 2 चार्ज। देखो ये 0 हो गया, माइनस टू तो ये तो हो गया एक्स माइनस चार बराबर प्लस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस टू, और ये इधर आएगा तो ये प्लस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 6, ये निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आप प्राथमिक संयोजकता ज्ञात कर सकते हो, क्या ज्ञात कर सकते हो प्राथमिक संयोजकता, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी या केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का मेथड है भाई, सबके ऑक्सीकरण अंकों का टोटल कर लो और उसके ऊपर उपस्थित जो आवेश है वो उसके क्या कर दो बराबर। और द्वितीयक संयोजकता देखते हैं, हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर द्वितीयक संयोजकता देखेंगे। दूसरा है CMA की द्वितीयक संयोजकता, CMA की द्वितीयक संयोजकता को हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं, इसे समन्वय संख्या
या उपसहसंयोजन संख्या भी बोलते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। और ये क्या होती है, केंद्रीय परमाणु द्वारा, केंद्रीय परमाणु द्वारा, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है। मतलब जितने उपसहसंयोजक बंध बनेंगे केंद्रीय धातु परमाणु से, वही उसकी क्या होगी, उपसहसंयोजन संख्या होगी, उपसहसंयोजन संख्या। तीसरा, चूंकि ये उपसहसंयोजक बंध होते हैं अतः ये देशात्मक प्रकृति के होते हैं, ये दिशात्मक प्रकृति की होती है। चौथा, ये ऋणायनों व उदासीन परमाणु द्वारा क्या हो जाती है, संतुष्ट। जो द्वितीयक संयोजकता है या उपसहसंयोजन संख्या है ये ऋणायनों द्वारा भी संतुष्ट होती है और उदासीन अणुओं द्वारा भी। लिगेंड में आपने देखा था उदासीन लिगेंड भी थे और ऋणावेशित लिगेंड भी थे। ये ऋणावेशित व उदासीन लिगेंड द्वारा संतुष्ट होती है, ये आपके क्या हो गए, द्वितीयक संयोजकता हो गई। तो आपको अब केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर पता लग गया। इसके एग्जांपल देखो, जैसे CONS3 का होल 6 Cl3। तो यहां पर देखो NS3 एक दंतुक लिगेंड है, 6 NS3 जुड़े हैं, मतलब 6 उपसहसंयोजक बंध बने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। यही इसकी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6। अगर इसकी प्राइमरी संयोजकता निकालनी है, प्राथमिक संयोजकता निकालनी है, तो आप क्या करोगे भाई, Cl3 इस पर -3 चार्ज है तो यहां +3 होगा, पूरे पर इस पर +3 होगा। इसको x को मान लो अमोनिया उदासीन लिगेंड है, x-0 तो x+0 बराबर +3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो +3 क्या है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और प्राइमरी वैलेंसी +3 है। तो देखो दोनों, ये ऑक्सीकरण अंक है और ये उपसहसंयोजन संख्या। और एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है CoEn का होल थ्राइस Cl3। अब यहां पर देखिए लिगेंड की संख्या 3 है लेकिन उपसहसंयोजक संख्या, द्वितीयक संयोजकता 3 नहीं आएगी, क्योंकि ये EN क्या है, एथिलीन डाइएमीन। EN द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। अब EN द्विदंतुक लिगेंड है तो एक EN दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है,
एथिलीन डाइएमीन, एक एथिलीन डाइएमीन का अणु दो उपसंयोजक बंध बनाता है, तो तीन का कितना बनाएगा, तीन अणु है एथिलीन डाइएमीन के तो छह बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, सिक्स। तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या हो गई, सिक्स। और प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है तो वही तरीका, सीएल थ्री है, माइनस का थ्री चार्ज है तो इस पर प्लस थ्री चार्ज, एथिलीन डाइएमीन उदासीन लिगेंड है तो एक्स प्लस जीरो बराबर प्लस तीन, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, प्लस तीन। यहां जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन क्या है, उदासीन लिगेंड है, तो तीन को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा इसलिए, और ये प्लस थ्री इस पूरे पे चार्ज है वही इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी और द्वितीयक संयोजकता इनकी ज्ञात कर सकते हैं, अपन को ये चीजें आनी चाहिए। और एग्जांपल देखो, CO EN का होल ट्वाइस CL2, ये है और बाहर है CL, तो इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, दो दो चार, एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है तो चार उपसंयोजक बंध बनाएगा, दो है ये, दो है तो चार बनाएंगे, और क्लोरीन भी दो बनाएगा, चार और दो छह, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या आ जाएगा, छह। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसकी क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अगर आप प्राइमरी वैलेंसी निकालना चाहते हो यहां पर, तो ये सी एल है माइनस वन तो इधर क्या आएगा, प्लस वन। अब टोटल देख लो, कोबाल्ट का एक्स मानोगे, एथिलीन डाइएमीन के दो अणु है लेकिन ये उदासीन लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस दो इंटू जीरो, प्लस क्लोरीन के कारण कितना चार्ज आएगा, माइनस टू, दो क्लोरीन है तो माइनस टू, पूरे पर प्लस वन, x माइनस टू प्लस वन, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस थ्री। तो यही इसकी क्या आ गई, प्राइमरी वैलेंसी, या कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, प्लस थ्री, यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। प्राथमिक संयोजकता तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश होता है, और द्वितीयक संयोजकता होती है केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल्स लिख दिए मैंने सारे, इनके बारे में बात लिख दी, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे, अगला टॉपिक होमोलेप्टिक और हेटरोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक व हेटरोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल, इजी सा टॉपिक है। होमोलेप्टिक संकुल या हेट्रोलेप्टिक संकुल, संकुल योगिक या उपसंयोजक योगिक। तो देखो होमोलेप्टिक,
और इधर कर देते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल, बहुत ही इजी चीज है ये। होमोलेप्टिक संकुल तो क्या होते हैं, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के या समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हों, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हों वो तो होमोलेप्टिक, ठीक है ना। वे संकुल यौगिक जिनमें सीएमए के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ समान प्रकार के, किस प्रकार के, समान प्रकार के, समान प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक क्या होंगे? वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनमें सीएमए के साथ अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के करके लिगेंड जुड़े हों, जुड़े हों, उनको हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे K4FeCN6, तो यहां पे 6 के 6 लिगेंड कौन से हैं? साइनो, साइनो, तो इसलिए ये कैसा है? होमोलेप्टिक संकुल है। लेकिन अगर अपन देखें इसमें CrNH3 का होल 4 Cl2 Br2, तो यहां पे देखो इससे 4 तो अमोनिया है, एमीन है, और 2 क्या है? क्लोरिडो। तो 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, तो ये कैसा है? हेट्रोलेप्टिक संकुल है। समझ में आई बात? इस संकुल भाग में अगर केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग प्रकार के क्या जुड़े हों? संकुल जुड़े हों। और एग्जाम्पल जैसे देखो CO एथिलीन डायमीन के ट्वाइस Cl2, तो इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड, ठीक है। K3 इधर देखो Fe C2 का ऑफर ऑक्सीलेट का किया जाएगा थ्राइस, ये तो एक ही ऑक्सीलेट प्रकार, ऑक्सीलेट ही जुड़ा हुआ है और दूसरे प्रकार के लिगेंड नहीं है, तो ये भी क्या है? होमोलेप्टिक। तो ये इनके क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल आपको समझ में आ गए होंगे। केंद्रीय धातु परमाणु से अगर समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं तो वो होमोलेप्टिक संकुल है, और अलग अलग प्रकार के जुड़े हैं तो वो हेट्रोलेप्टिक संकुल है। ये 2018 में एक क्वेश्चन आ चुका है होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल को उदाहरण द्वारा समझाओ, तो आपको ये ध्यान रखना है। कल जो मैंने आपको उभयदंतुक लिगेंड और कीलेशन प्रभाव बताया था वो भी इम्पोर्टेंट है, उन पर भी इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। देखो कल की क्लास में हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले नामकरण शुरू करेंगे। आज मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं पर आधारित, तो आपको वो करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ।
जो आज पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन है। इधर तो मैं यौगिक के सूत्र लिख रहा हूं, इधर मैं इसका इसकी इन यौगिकों की AgNO3 से क्रिया कराते हैं, AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो AgCl के मोल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से यौगिक हैं? COCl3.6NH3, दूसरा COCl3.5NH3, तीसरा COCl3.4NH3, चौथा COCl3.4NH3 और यहां जो AgCl के इन चारों की क्रिया AgNO3 से कराई, तो हमें जो AgCl के मोल प्राप्त हुए वो क्या क्या है? इससे क्रिया कराई तो आपको 3 मोल प्राप्त हुए, इससे क्रिया कराई तो 2, इससे क्रिया कराई तो 1 और इससे क्रिया कराई तो वापस 2 मोल प्राप्त हुए। तो हमें क्या बताना है, इन यौगिकों में कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता या जिसको अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता या कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर है कोऑर्डिनेशन, ये हमें बताने हैं। आपको ये क्वेश्चन करना है घर पर, कल मैं फिर इसका जवाब दूंगा आपको। पहले आप ट्राई कीजिए और इनसे बनने वाले संकुल यौगिकों के फॉर्मूले भी लिखने हैं। इन यौगिकों से, ये योगात्मक यौगिक हैं तो इनसे बनने वाले संकुल यौगिकों के फॉर्मूले भी लिखने हैं और इनकी ये संयोजकताएं भी बतानी है। ये काम आपका है घर पर, आप करेंगे आज इसको, फिर मैं बताऊंगा इसको कल। कल आपको चेक करना है कि आपका सही है या नहीं, आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। जो इस वीडियो को देखने के बाद उसी दिन कमेंट्स कर देगा तो मुझे पता लग जाएगा उसको समझ में आया है या नहीं आया है। तब तक के लिए बाय।